निया शर्मा ने क्यों मांगी माफी? फैंस का हुआ मोए मोए तो निया ने कहा सॉरी। क्या निया शर्मा की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री? बिग बॉस 18 के प्रीमियर की शुरुआत बीते दिन 6 अक्टूबर से हो चुकी है, लेकिन शो के प्रीमियर में ही फैंस को भारी निराशा मिली है। काफी दिनों से टीवी की मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा के बिग बॉस 18 में होने की आशंका थी, लेकिन शो के ओपनिंग में ही दर्शकों को बड़ा झटका महसूस हुआ है, जिस पर खुद एक्ट्रेस ने फैंस से माफी मांगी है। निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में निया ने लिखा कि मैं उन सभी फैंस और चाहने वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूं, जिनकी उम्मीदों पर मैंने पानी फेरा है। निया ने आगे लिखा कि आपके इतने प्यार, सपोर्ट और हाइप के लिए आप सभी का थैंक्स। आप सब ने इतना प्यार दिया है कि मेरा भी एक बार शो में जाने का मन कर रहा है। 14 सालों से मैंने क्या कमाया है, इसका एहसास आपने मुझे करा दिया। उन्होंने कहा कि आप ये नहीं सोचना कि मैंने इस हाइप और अटेंशन के मजे लिए हैं या बहुत इंजॉय किया है, और इसके लिए आप प्लीज मुझे जिम्मेदार ना माने, क्योंकि मैंने ये नहीं किया है। हालांकि निया के इस पोस्ट के बाद अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद निया की एंट्री कुछ समय के बाद या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर हो सकती है, क्योंकि फैंस को काफ़ी लंबे समय से निया के शो में जाने की डिमांड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या निया बिग बॉस के किसी भी सीजन में नज़र आएंगी या नहीं। हालांकि इसका पता तो वक्त के साथ ही लगेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल फैंस को निया के एंट्री होने की उम्मीदों पर ही जीना होगा। वही शो के पहले दिन में ही इस तरह की हाइप देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार शो में आगे भी ऐसे ही फैंस को झटके लगते रहेंगे, जिससे दर्शकों का इंटरटेनमेंट होता रहे। आपको बता दें कि निया शर्मा ने 1000ों में मेरी बहना जैसे टीवी शो से डेब्यू किया था, जो फैंस को बेहद पसंद आया था। वही जमाई राजा में भी निया का एक अलग अंदाज देखने को मिला था, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। हालांकि निया अपने शो से ज़्यादा अपने बोल्ड अवतार के लिए फेमस है, जो कभी कभी एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का शिकार बना देता है तो कभी कभी कंट्रोवर्सी में फंसा देता है। इसके बावजूद भी एक्ट्रेस कभी हार नहीं मानती, तभी तो एक्ट्रेस के फैंस निया का बिग बॉस में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यूपी न्यूज़ के लिए प्रियंका यादव की रिपोर्ट।